जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल दिल्ली के तुगलकाबाद में हमारे कुछ बच्चों को गिरफ्तार किया गया था। अब उन्हीं बच्चों को छुड़ाने के लिए एक लीगल टीम से मैंने सहयोग मांगा था, जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के साथी हैं। उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया था कि आप लोग आएँ और हमारे समाज के जितने बच्चे उन्हें ज़्यादातर छुड़ाएँ, तो इसी विषय पर हम लोग आए थे। आगे सर, सर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की तरफ से मैं निर्वेश धील, स्टेट प्रेजिडेंट दिल्ली। दरअसल यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर आए और आकर हमने कुछ अलग से नहीं देखा। हमें यहाँ पे देखने को मिला कि जो चंद्रशेखर रावण, जो कि अपने आप को बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा लीडर बता रहे हैं, मैंने देखा यहाँ उनके साथ में VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है। और हमारे जो बहुजन समाज के जो मिसगाइडेड बच्चे, जिनको बहका कर यहाँ पे लाया गया था। कौन बहका कर लाया था इनको? सर, जो आज हमारे जो लीडर्स, किसने नेतृत्व में इन बच्चों ने मंदिर के ऊपर इस तरीके से वारदात करी? सर, दरअसल मंदिर के ऊपर वारदात नहीं है वो जी। दरअसल मंदिर के नाम पर, धर्म से, हमारे धर्म के नाम पर हमारे लोगों को एक तरह से मिसगाइड किया गया और उनको यहाँ लाया गया। कौन उनको लेकर आया साहब? जो भीम आर्मी अपने आप को कहती है कि हम दिल्ली बंद करेंगे, उन लोगों को जब यहाँ पर भीड़ लेके आनी थी तो लीगल सेल की टीम उनकी क्यों नहीं है? केवल उनका एकमात्र एक एडवोकेट अंदर है, जो कि सिर्फ 2 से 4 वो अपने वकालतनामों पर साइन कराता है, जिनमें से कि एक खुद उनके लीडर हैं, भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण। और हम यहाँ पर 45 से 50 जितनी हमारी टीम साइन करवा सकती थी उतने हमने ज्यादा से ज्यादा करवाए हैं, क्योंकि ये बहुजन समाज के जो लोग अंदर, जो यूथ अंदर बंद है, कम से कम 35 से 40 जो पंजाब से आए हुए लोग हैं वो यहाँ पर बंद है, उनकी जमानत कौन कराएगा, ये सवाल बनता है। अगर थाने में भी वो लोग बंद थे तो आप ये देखेंगे कि जामिया थाने के अंदर चंद्रशेखर रावण के साथ 4 से 5 लोग थे, जिनको अलग से VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। और बाकी के जो दूसरे गोविंदपुरी थाने में और जो दूसरे थानों में, कालकाजी थाने में बंद थे, उनके साथ अलग से ट्रीटमेंट चल रहा था जी। क्योंकि यहाँ पर भेड़ बकरियों के जैसा हमारे बच्चों के साथ में बर्ताव हो रहा है। और हम दावा करते हैं कि हमारी पूरी टीम, हमारे सीनियर एडवोकेट रविंदर एडवोकेट जी, जो कि कड़कड़डूमा से हैं, एडवाइज़र हैं हमारे, सुनील एडवोकेट जो कि हमारे लीगल प्रेसिडेंट हैं दिल्ली प्रदेश के, हम दावा करते हैं कि हम इन सभी बच्चों को बाहर निकालेंगे जी। कुछ बंदों के बहकावे में आके ये सारे हमारे जो मूल निवासी भाई है उनको इसमें फंसाया गया था। आज हमने यहाँ पे सबके लिए बहस करी थी और बहस करने के बाद सभी को हमने जुडिशियल कस्टडी के पर वो जुडिशियल कस्टडी में सभी को भेजा गया है। तो जुडिशियल का कल हम इन सभी की बेल एप्लीकेशन लगा देंगे और ये जल्दी से जल्दी ये सभी बाहर आ जाएंगे जी। कुछ कितने तक, किस टाइम तक बचे? हमारी उम्मीद है कि कल हम इनको बाहर निकाल लेंगे, कल तक बाहर निकाल लेंगे। कल तक हम कुछ बच्चों के ऊपर बताया जाए, आर्म्स एक्ट भी लगाया हुआ है। कुछ बच्चों के ऊपर बताया गया आर्म्स एक्ट भी लगाया हुआ है। दरअसल यहाँ हमारे, मैंने आपको बताया, हमारे लीगल एडवाइजर जो हैं वो सबूत के साथ बोलते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे जो बच्चे जो दूसरे राज्यों से चल के आए, जो एक भीड़ का हिस्सा बन के आए, उनको ये नहीं पता था कि धर्म के नाम पर उनके साथ में राजनीति की जा रही है। उस भीड़ के अंदर जो सुबह से लेकर शाम तक बच्चे बिल्कुल लीगल तरीके से, संवैधानिक दायरे से, वो अपने संत रविदास की मंदिर की बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ लोग भीड़ में शामिल होते हैं। अब उनको प्लान किया गया था या उनको फंसाने का ये पूरा षड्यंत्र था, जिससे कि इसके ऊपर एक लंबी राजनीति, एक लंबी पारी खेली जा सके जी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर हर हाल में हमारे समाज को आगे करके उनको भेड़ बकरियों के जैसे इस्तेमाल किया गया है, और इन भेड़ बकरियों के साथ में जो बढ़ता बंदर हो रहा है वो हम देख के आ रहे हैं। इसमें क्या लगता है कि कौन राजनीति खेल रहा है? सर, राजनीति कोई नहीं खेल रहा, सीधे सीधे RSS इसके पीछे है। और मैं सीधे सिंपल 2 वर्ड बोलता हूँ कि जो भी आज हमारा लीडर बहुजन समाज के लिए काम कर रहा है वो हाईलाइट नहीं होता, लेकिन पर्टिकुलर अगर एक व्यक्ति विशेष को सारा का सारा मीडिया उसको हीरो बनाने की साजिश में लगा हुआ है, तो मेरा क्वेश्चन मार्क वहां लग जाता है। और मैं क्लियर कहता हूं कि ऐसा क्यों कि एक ही व्यक्ति को लीडर बनाया जा रहा है। ये जो आंदोलन था, जबकि ये संतों का आंदोलन था, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी थी, फिर भी इसके अंदर आप बता रहे हैं कि राजनीति हो रही है। बिल्कुल हो रही है। दरअसल हमने क्लियर किया था, हमने पहले भी क्लियर किया था, और बाकायदा जो हमारा रविदास मंदिर की जो टीम है, हमने उनके पास में अपना मैसेज भी भिजवाया, जो लीगल फाइट है वो आप रोड फाइट में क्यों बदल रहे हैं? जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वो मंदिर तोड़ा गया, आप वो फाइल लीजिए हमें, उसके बाद में हम उसको स्टडी करके हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हैं। और मैं समझता हूँ, लेकिन
जो हमारे अपने आप को बहुत जल्दी लीडर बनाना चाहते हैं इस देश अपने बहुजन समाज के, उन लोगों ने बदमाशी के साथ में हमारे लोगों को भड़काया और भड़काने के बाद में हमारे बच्चों को अंदर करवाया और उनके ऊपर जितनी भी आज धाराएं लग रही हैं जिसकी वजह से उन बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, उसका जिम्मेदार मैं सीधे सीधे इंडिकेट करता हूं कि वो सारे बहुजन समाज के लीडर हैं जो उनको बहका कर यहां लाए थे। जो बच्चे गुम हैं सर उसके बारे में क्या कहेंगे? गुम हैं हमारे साथी सर, जो बच्चे गुम हैं उनके लिए हम अभी कुछ नहीं कह पाएंगे, स्पीचलेस हैं, लेकिन जितने अंदर बच्चे 96 बच्चे अंदर हैं जिनमें से कि हम ज्यादा से ज्यादा जितने बच्चे गुम हुए हैं आप उन सबके एक बार नाम दे दो, हम हाईकोर्ट के अंदर हैबियस कॉर्पस रिट फाइल करेंगे, सभी की कस्टडी सुनिश्चित करेंगे, सभी के सभी सब अपने घर में जा सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।